نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه صدق الله العظيم معزز حاضرين معزز سامعين ار मेरे मैं आपका ख़ादम कासिम आपसे मुखातब हूँ कुछ ज़रूरी गुजारिशात जो इस वक्त की अहम ज़रूरत है वो लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ आप सब हजरात को मालूम है कि कुछ महीनों से ये वबाई मर्ज़ फैला हुआ है कोविड नाइन्टीन और उसके लिए हुकूमत की तरफ से बहुत सारी रिक्वेस्ट गुज़ारिशात और एहतियाती तदबीरें बयान की गई है बताई गई है और जिनका सबको फॉलो करना ज़रूरी होता है मैंने पहले भी अपने जुम्मा में एक बयान में ज़िक्र किया था कि ये बिल्कुल मैं अगर कहूँ कि शर्यी गाइडेंस है तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी इसलिए कि शरीयत ने हमें सबसे पहले ऊसूली तौर पर यह बयान किया है कि वो लातुल गुब को मिलता लुका कि अपने हाथों अपने आप को हलाकत में मत डालो और हदीस के किस्से भी आपको मालूम है कि जहाँ कोई वबा फैली हो वहाँ जाना नहीं चाहिए और वहाँ वालों को वहाँ से निकलना नहीं चाहिए और वबा जब आम हो रही हो तो उससे बचने की जितनी भी ज़ाहरी तदबीरें हैं और रूहानी तदबीरें हैं वो सब इख्तियार करना चाहिए कई मदत से हमे हमारी हुकूमत भी ये कह रही है और हमारी शरीयत भी हमें पहले से कह रही है कि इस जिस्म की हिफाज़त करना हमारे लिए ज़रूरी है न हमसे किसी को नुकसान हो और न किसी को हमसे नुकसान हो न हमें किसी और से नुकसान हो इसका ख़्याल हमें रखना चाहिए उसके लिए मस्जिद के इंतज़ामिया की तरफ से कुछ ख़ास बातें जो ज़रूरी हिदायत के तौर पर उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ़ से कही गई है वो मैं आपके गुजारिशात में अर्ज़ करता हूँ कि जो भी हज़र नमाज पढ़ने मस्जिद में आए हमारे मुसल उनके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि वो अपने घर से वज़ू और वॉशरूम से फारिग होकर आए वज़ू की फैसिलिटी अभी मस्जिद में नहीं होगी वज़ू एरिया वॉशरूम एरिया बंद होगा इसलिए सबसे दरख्वास्त ये हैं कि अपने घर से वजू वाशरूम वग़ैरह से फारी हो कराए दूसरा ये है कि मस्जिद में मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है लाजिमी है मास्क के बग़ैर मस्जिद में न दाखिल हो सकते हैं न मस्जिद में रह सकते हैं और ना नमाज पढ़ सकते हैं ये खा, बात ख़ास याद रखें कि मास्क पहनना बहुत लाजिमी है और मास्क पहनने का मतलब ये है कि हमारी ये नाक से लेकर पूरी नीचे दाढ़ी तक का ये सारा एरिया बंद होना चाहिए इसको मास्क पहनना कहते हैं हमारे कुछ हजरात जो यहाँ तक रखते हैं या यहाँ उतार देते हैं इसको मास्क पहनना नहीं कहते मैं बार बार मस्जिद में यह ऐलान कर चुका हूँ लेकिन फिर भी हमारे कुछ बड़े बुज़ुर्ग हजरात इसकी तरफ तोज्जो नहीं देते तो मैं उन सब हजरात से ये मुद्दबा न दरख्वास बल्कि ताक़ीदी दरखास्त करूँगा कि अगर आप को सांस लेने की कोई तकलीफ़ हो मास्क पहनने की वजह से तो बराए करम आप हजरात घर में ही नमाज पढ़िए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए ना आए अगर मस्जिद में आए तो ये मास्क पहनना जिसमें मुंह बंद हो नाक बंद हो ये बिल्कुल ज़रूरी होगा और ख़ुदा नास्ता अब अगर हम में से कोई इस तरह पहन कर ना आए या नमाज के वक्त जमात खाने में मस्जिद खा मस्जिद में ये निकाल दे इस तरह का पहनना छोड़ दे और नीचे उतार दे तो हो सकता है कि नाम लेकर ऐलान लेकर कहा जाएगा और बाद में अगर न मानने पर यह भी कहा जाए कि आप अपने घर पर ही नमाज पढ़ें इसलिए कि यहाँ हुकूमत की आंखें होती है हुकूमत को सारी खबरें पहुँचती है हेल्थ वालों को खबर ही पहुँचती है जिसकी वजह से हमें इसकी बहुत एहतियात की ज़रूरत है तो मेरे जिन बुज़ुर्गों को ये बात समझ में आती है कि घर में नमाज पढ़ना भी कोई बुरा नहीं है अभी उनसे तो यही दरख्वास है कि वो घर में ही नमाज पढ़ लें उनकी नमाज़ अदा हो जाएगी और अगर मस्जिद में आए तो ये मास्क पहनना बिल्कुल लाजमी होगा इसको सरे फहरस्त रखे अब अगर मास्क के बग़ैर या जिस तरह पहनना हो उस तरह अगर कोई न पहने तो उनके नाम से ऐलान किया जाएगा और फिर भी अगर उसकी तरफ तवज्जो न हो तो उनसे यह दरख्वास्त कर दी जाएगी कि आप अपने घर पर नमाज पढ़िए और सोशल डिस्टेंस रखना बिल्कुल लाजिमी है दाखिल होते वक्त भी और जाते वक्त भी मस्जिद से बाहर निकलते वक्त भी हम मस्जिद से बाहर निकल के वक्त इसका बहुत ख्याल नहीं रखते इसलिए ये भी नहीं होना चाहिए आप हज़रा को ये पता भी चल गया मालूम भी हो गया कि हमारे मस्जिद और मस्जिद के अतराफ़ में काफ़ी ये केसेस हुए हैं अल्लाह का फजल हुआ है कि बहुत से हजरा इस पर शिफा याब हो चुके हैं और अल्लाह ताला उन सब बीमारों को भी जो बीमार है उनको भी शिफा नसीब फ़रमाए और फिर से हमारी मस्जिद बाकायदा नॉर्मल खुलती खुल खुल, खुल 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 जाए और हम सब हजरा नॉर्मल तरीक़े से उसमें आते जाते हो जाए लेकिन जहाँ तक ये वबाई मर्ज है फैलता जा रहा है वहाँ तक ये एहतियात हमारे लिए बिल्कुल लाजिम है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से रीटन मस्जिद के ज़िम्मेदारों को दिया गया है और उसका अमल हम सब के जिम्मे लाजिम है तो मैं सब मेरे मसल हजरा से दरखास्त करता हूँ करता हूँ कि आप इसमें हमारा ताउन करेंगे और सब मिलकर दुआ भी करें और एक रूहानी एहतियात रूहानी जो तदबिर हैं कि सुबह शाम की जो जो दुआएं हैं वो दुआ सब पढ़कर अपने पूरे बदन पर फेर ले अल्लाह ताला इससे भी हिफाजत फरमाते हैं बिस्मिल्लिलासम ही शयफिल वह समीम अल्लामी का मिनल जुनून वज़ामी वबरसी व सै अलास्कामी अल्लाम सलम्नास وسلم الناس عنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ومن فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. वमआाफत इमाफ़ी दीनी व आखिर ये मसनून दुआएँ हैं जो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम की है तो इसका भी अहतमाम करे मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को इन वबाई अमराज से महफूद रखे और इस बीमारी को दूर फरमाए और जिस तरह हमें हिदायत दी जाए जिस तरह हमें गाइड किया जाए उस पर हमें अमल करने की अल्लाह पाक तोफ़ी नसीब फरमाए व आखिर दावाना ان الحمد لله رب العالمين